लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मोस्ट वांटेड आरोपी जीतू सोनी पर इंदौर पुलिस लगातार शिकंजा कसती आ रही है। जीतू सोनी पर 40 से अधिक अपराध विभिन्न धाराओं में इंदौर के विभिन्न थानों में दर्ज हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र की एक महिला ने जीतू सोनी और उनके अन्य साथियों पर गैंग रेप का प्रकरण दर्ज करवाया है। मोस्ट वांटेड जीतू सोनी और उसके अन्य लोगों ने मिलकर 2016 में पंखेड़ा गरबा में आई महाराष्ट्र की एक महिला के साथ जीतू सोनी और अन्य लोगों ने होटल वेस्टर्न में डरा धमका कर बारी बारी से दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया। जीतू सोनी के डर के कारण महिला ने उस समय पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया, लेकिन जब इंदौर पुलिस की कार्रवाई के बारे में महाराष्ट्र में बैठी महिला को जानकारी लगी तो उसने तत्काल इंदौर पुलिस से संपर्क किया और सारी ना बताई, जिसके बाद पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश के मोस्ट वांटेड आरोपी जीतू सोनी और अन्य के खिलाफ गैंगरेप सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि जीतू सोनी पर इंदौर के अलग अलग थानों में 40 से अधिक अपराध दर्ज हैं। वहीं एक और मामला दर्ज होने के बाद इंदौर पुलिस जीतू सोनी की तलाश में सरगर्मी से जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। क्या मामला पंजीबद्ध किया गया है? महिला थाना जिला इंदौर में आरोपी जीतू सोनी और उसके साथियों के विरुद्ध जो है एक का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें जो फरियादिया मूलतः मुंबई की रहने वाली है और उसकी शिकायत पे ये अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें घटनाक्रम ये बताया है कि 10 अक्टूबर 2016 को वो इंदौर आई थी और यहाँ जीतू सोनी द्वारा जो आयोजित पंखड़ा कार्यक्रम जो है उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था, उसमें वो शामिल हुई थी। उसके बाद जो है वो जीतू सोनी उसको होटल वेस्टर्न ले जाता है और वहाँ पे जीतू सोनी के द्वारा उसके साथ रेप की घटना हुई और जिसको उसका जो सो कॉल्ड हस्बैंड है उसके द्वारा उसको जो है फोटोग्राफ किया गया था, वीडियोग्राफ किया गया था। उसके बाद उसके दोस्त ने भी जो है उसके साथ गलत काम किया और उसको भी जो है उसके जीतू सोनी द्वारा वीडियोग्राफ किया गया था। तो इस घटनाक्रम को जो है बेसिकली इस चीज़ को दबाने के लिए उसको पीड़िता के साथ में ये घटना की गई थी, क्योंकि पीड़िता ये चीज़ जाहिर कर देना चाहती थी, पुलिस को बता देना चाहती थी कि ये मुंबई से लाता है यहाँ लड़की और गलत काम कराता है। और इस दौरान उसके दो बच्चे भी थे, उन बच्चों को भी बंधक बना के जो है बगल वाले रूम में रखा गया था। इस पूरी घटना की शिकायत के ऊपर से जो है ये अपराध इसमें पंजीबद्ध किया गया है और इसको अभी विवेचना में लिया गया है। अन्य जो भी तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, पति भी आरोपी है इसमें? बिल्कुल, इसमें इसका हस्बैंड भी जो है आरोपी है और हस्बैंड जो है बेसिकली जीतू सोनी के लिए काम करता था। सर, इसके अलावा पूरे क्षेत्र में कितने माफियाओं का कार्रवाई होगी? सर, जो है जीतू सोनी और उस महिला का पति और कुछ अन्य आरोपी भी इसमें बताए। सर, एक गिरफ्तारी हुई है? इसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जो मूल आरोपी है उसके ऊपर शासन द्वारा 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया।